सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसे पूतना गई आवाज सुनाई दिया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जैसे पूतना को सुनाई दिया, उसको लगा कि यहाँ किसी बालक का जन्म हुआ है। अब जाने लगी, पूतना को लगा अगर ऐसी चली जाऊंगी तो सब कोई मुझे भगा देंगे, इसलिए थोड़ा सुंदर बन के मुझे जाना पड़ेगा। तो अपने स्वरूप को सजाया, बड़ा सुंदर माया से रूप बनाया। जैसे यशोदा जी के पास में गई, गोपियां मटकी लेकर के जा रही थी दही माखन आदि लेकर के लाला से मिलने। जैसे पूतना चली गई, देखते ही यशोदा जी ने कहा कि ये इतनी सुंदर गोपी तो आज तक यहाँ पर हमने नहीं देखा, हो सकता है कहीं दूर से आई होगी। ऐसा लगा कि साक्षात भगवान कृष्ण से मिलने के लिए लक्ष्मी मैया धरती पर आई हैं। इतना सुंदर रूप बनाया। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम्, साक्षात लक्ष्मी की तरह रूप बनाया। उसके बाद मैया से कहती, मैया प्रणाम करती हूँ। मैया ने देखा और सोचा ये नई गोपी कहाँ से आई। पूतना कहते, मैया प्रणाम करती हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर में लाला हुआ है, मैं जैसे सुन लिया और आपको बधाई देने के लिए मैं आ गई। प्यार से बोलना पड़ेगा, आपको बधाई देने के लिए मैं आई। जैसे पूतना ने बधाई दिया, मैया सोचती है कि ये अगर मैं पहचानने से इनकार कर दूं तो इनको बुरा लग जाएगा। फिर मैया बोली, आइए ना आइए, अंदर आ जाइए। पूतना जैसे अंदर गई, पूतना बोले कि मैया मुझे आपके लाला का दर्शन करना है, लाला का दर्शन करना चाहती हूँ। अब उसके बाद मैया बोली, लाला अंदर सो रहा है पालना में, जाकर के दर्शन करके आ जाइए। अब पूतना बड़ी सुंदर बन के अंदर लाला से मिलने के लिए जा रही। जैसे पूतना अंदर प्रवेश करती है, कन्हैया ने नयन को बंद कर दिया। राजा परीक्षित पूछते हैं, प्रभु ऐसा क्यों, कन्हैया ने नयन को बंद क्यों किया, जबकि कृष्ण से मिलने के लिए इतना सुंदर बन के आई है, स्वरूप को सजा करके आई है। जो आपके लिए अगर सज के आए तो एक बार तो देखना चाहिए, भगवान को देखना था, क्यों नहीं देखा। सुखदेव जी बोले कि कन्हैया के नयन बंद करने के कई सारे कारण हैं महाराज। देखिए, पहली बात, दृष्टि उसी पर डालो जो लायक हो, उसको मत देखो जो लायक ना हो। दृष्टिपात वही करना चाहिए जो योग्य हो। भगवान के लायक पूतना है ही नहीं, भगवान एक नजर अगर देखते तो पूतना का भाव बदल सकता था। दूसरी बात, अगर पूतना को कन्हैया एक बार देख देते तो पूतना जो है उसका भाव बदलता। वो मारने के लिए आई थी, स्तन में जहर लेपन करके आई थी कन्हैया को मारने की भाव से, अगर भगवान देखते तो उसका भाव बदल जाता, उसके मन में हो सकता दया का भाव उत्पन्न होता, इसलिए कन्हैया ने नहीं देखा। और कई सारे कारण हैं। कहते हैं भगवान के दो नयन जो है सूर्य और चंद्र है, अगर भगवान नयन से देखते तो सूर्य चंद्र यहाँ पर कह रहे हैं ऐसी राक्षसी को हम अपने लोक में आने नहीं देंगे, इसलिए पहले से गेट बंद कर दिया। साधु संत कई ज्यादा भाव देते हैं, तो भगवान ने पूतना को नहीं देखा। इसका मायावी स्वरूप भगवान के सामने टिक नहीं सकता। ये मायावती है लेकिन कन्हैया मायापति है।
मायापति के सामने मायावती नहीं चल सकती, इसलिए भी भगवान ने नयन को बंद कर दिया।